Assalamualaikum, my dear friends and students, welcome back to Picture Channel. In this video you will learn how to add or insert JavaScript code in HTML document. यानी कि JavaScript को हम HTML code में कहाँ डालेंगे या insert करेंगे या JavaScript को HTML code में कहाँ use कर सकते हैं. तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि JavaScript को हम HTML के document में head में या body दोनों में इंसर्ट कर सकते हैं. तो आइए प्रैक्टिकल स्टार्ट करते हैं. अब मैं जावास्क्रिप्ट को, जो कि एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, हेड में ऐड करूंगी. लेकिन इससे पहले मैं बॉडी में कुछ एचटीएमएल के एलिमेंट्स ऐड करूंगी ताकि हम स्क्रिप्ट का या स्क्रिप्टिंग का काम कर सकें उस पे. सबसे पहले मैं यहाँ पे हेडिंग 1 क्रिएट करूंगी. आप कोई भी हेडिंग्स ले सकते हैं, इवन आप पैराग्राफ भी ले सकते हैं. यहाँ पे मैं कुछ लिखूंगी, जावास्क्रिप्ट इंट्रोडक्शन. अब हेडिंग 1 के बाद मैं बटन क्रिएट करती हूँ और उसमें लिखूंगी क्लिक मी टू चेंज. इट मीन्स कि जो मैंने हेडिंग में दिया हुआ है उसको मैं जब बटन को क्लिक करूंगी तो जावास्क्रिप्ट इंट्रोडक्शन की जगह कोई और पैराग्राफ आ जाए. अब क्या करूंगी, मैं इस हेडिंग 1 को आईडी दे दूंगी हेडिंग की. एंड बटन के अंदर पहले मैं डिफाइन करूंगी टाइप इज इक्वल टू बटन एंड देन ऑन क्लिक. ऑन क्लिक एक फंक्शन है जो के जब हम बटन पे क्लिक करते हैं तो वो परफॉर्म करता है. अब मैं जब ऑन क्लिक पे कम करूंगी तो उसमें फंक्शन ऐड करूंगी. लेकिन इसमें फंक्शन ऐड करने से पहले मैं सबसे पहले हेड में जाऊंगी और हेड में स्क्रिप्ट का टैग, जो के जावास्क्रिप्ट के स्टार्ट टैग और एंड टैग को कहते हैं, और स्क्रिप्ट के अंदर फंक्शन बनाऊंगी. और फंक्शन बनाने के लिए मैं सबसे पहले कीवर्ड इस्तेमाल करूंगी फंक्शन का, देन फंक्शन को कोई नाम दूंगी. मैं अभी यहाँ पर दूंगी माय फंक्शन. माय फंक्शन के अंदर, जैसे कि माय फंक्शन है तो पैरेंथेसिस कॉल करने का एक तरीका, उसके बाद कर्ली ब्रेसिस के अंदर मैं दूंगी डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी. अब आईडी हमने क्या दी हुई है, वो दी हुई है हमने हेडिंग 1 के अंदर हेडिंग के नाम से. तो मैं सिंगल या डबल कोट्स के अंदर डालूंगी हेडिंग, उसके बाद डॉट लगा के इनर एचटीएमएल को डालूंगी. देन इनर एचटीएमएल के बाद जो मुझे टेक्स्ट जावास्क्रिप्ट इंट्रोडक्शन के रिप्लेस में चाहिए या मैंने चेंज करना है तो मैं वो दूंगी रिप्लेस या फिर वेयर टू कोड एस इन विजुअल स्टूडियो कोड. उसके बाद मैं इसको क्लोज कर दूंगी. देन इस स्टेटमेंट को क्लोज करने के बाद मैं ऑन क्लिक के अंदर एक फंक्शन ऐड करूंगी माई फंक्शन का, माई फंक्शन पैरेंथेसिस ऑन एंड ऑफ इस तरह से. इसको सेव करूंगी और आउटपुट को रन करूंगी. अब उसके बाद जावास्क्रिप्ट इंट्रोडक्शन आ रहा है यहाँ पे, उसके बाद क्लिक मी टू चेंज का बटन आ रहा है. जैसे मैं इसको क्लिक करती हूँ तो मेरा जो जावास्क्रिप्ट इंट्रोडक्शन की जगह है वो वेयर टू कोड जेएस इन विजुअल स्टूडियो कोड. तो ये सिंपल सा कोड था जो इजीली हम लोग इंटीग्रेट कर लेते हैं एचटीएमएल कोड के अंदर. तो ये सबसे पहला तरीका था. जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं दो तरीके हैं, एक तो ये कि हेड में डालेंगे और दूसरा हम बॉडी में भी स्क्रिप्ट ऐड कर सकते हैं. अब सेकंड वे ये है कि हम इसी स्क्रिप्ट को बॉडी में भी कर सकते हैं. लाइक मैं अगर इस जो स्क्रिप्ट कोड क्रिएट किया है इसको मैं बॉडी के अंदर प्लेस कर दूं एंड देन इसको सेव करके रन करूं तो सेम ही आउटपुट आएगी हमारे पास. लाइक ये देखें, ठीक है. सो सेम थिंग है कि आप चाहे उसको हेड में प्लेस करें या बॉडी में प्लेस करें. यह था जावास्क्रिप्ट को कि किस तरह से हम हेड में डालेंगे या बॉडी में डालेंगे. ये था फर्स्ट मेथड जो इंटरनली काम कर रहा था. लेकिन दूसरा मेथड है वो एक्सटर्नल का है. एक्सटर्नल को किस तरह से हम इंक्लूड करते हैं, ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कि हम लोग CSS इंटरनल और एक्सटर्नल की थी. तो अब हम एक्सटर्नल करेंगे. सबसे पहले हम न्यू फाइल क्रिएट कर देंगे और इस फाइल के अंदर हम उस स्क्रिप्ट को प्लेस कर देंगे जो कि हमने बॉडी के अंदर प्लेस किया है.
मैं यहाँ से कट करती हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर दूंगी। इसको मैं सेव कर दूंगी और स्क्रिप्ट वाली जो फाइल क्रिएट की है उसको भी मैं सेव कर दूंगी। सेव किस नाम से करूंगी या किस एक्सटेंशन से करूंगी, तो मैं सबसे पहले लिखूंगी कि ये मेरा फर्स्ट है, तो डेफिनेटली मैं फर्स्ट डॉट जे एस कर दूंगी। और नीचे से एक्सटेंशन भी आपने चूज करनी है डेफिनेटली। एंड देन इसको सेव कर दें। और अब तो के मैंने स्किप के साथ पूरा कोड उठाया था फर्स्ट डॉट जेएस के लिए, आपने क्या करना है यहाँ से स्किप को ख़त्म कर देना है, क्योंकि जावास्क्रिप्ट के लिए या जावास्क्रिप्ट जब आप एक्सटर्नल यूज़ करेंगे, एक्सटर्नल फाइल बनाएंगे, तो उसमें स्क्रिप्ट का टैग लगाने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। आपने सिंपली फंक्शन क्रिएट करके इसमें प्लेस कर देना है। इसके बाद इसको सेव कर दें और आ जाए इंडेक्स की फाइल में जो आपके एचटीएमएल की फाइल है। यहाँ पे आपने हेड के अंदर या कहीं भी आपने क्या करना है, स्क्रिप्ट का टैग यूज करना है और स्क्रिप्ट के अंदर सोर्स का दे देना है एट्रीब्यूट। अब सोर्स के अंदर वैल्यू क्या देंगे, डेफिनेटली आप फर्स्ट डॉट जे एस का ही देंगे तो आपकी फाइल का नेम होगा। उसके बाद आप इसको सेव करके रन कर दें। अब मैं बटन पे क्लिक करती हूँ तो डेफिनेटली ये कोड चेंज कर रहेगा। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो गाइस, और अगर आपको ये पसंद आई है तो काइंडली क्लिक कर दें लाइक पे, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट कर दें अपने अच्छे वर्ड्स में अगर आपको ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।